गाइस, दुनिया हमें इस बात से जज करती है कि हम अपनी लाइफ किस तरह से जीते हैं, ना कि इस बात से कि हम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। ये सही भी है, क्योंकि हमारी लाइफ कैसी होगी, हम इससे क्या चाहते हैं, ये तो सिर्फ हमें ही पता है। बट मैटर ये करता है कि रियलिटी क्या है। सो अब बात आती है कि अपने विशेस को, अपने सपनों को पूरा कैसे किया जाए, बेसिकली अपनी लाइफ को चेंज कैसे किया जाए। सो ऐसा हम कर सकते हैं अपने कुछ थॉट्स, माइंडसेट को चेंज करके। इससे आप अपनी लाइफ को सिर्फ 11 दिनों में चेंज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक थॉट्स हैं, और इसे आसानी से किया भी जा सकता है। हम अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ 11 दिनों में। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनंद गिरी की बुक चेंज योर लाइफ इन 11 डेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव हैं। इन्हें फॉलो करके अपनी लाइफ को वाकई चेंज किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि बुक में ऑथर ने क्या बताया है। सबसे पहले अपने थॉट्स और अपने नज़रिए को बदलिए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और दुखी रहते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत अमीर और सक्सेसफुल होते हैं, वहीं कुछ लोग गरीब होते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है आपकी थिंकिंग। क्योंकि आपकी थिंकिंग ही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह के दिखते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, किस सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन से हम हैं, या फिर हमारी एजुकेशन कैसी रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारा ब्रेन किस तरह के थॉट से भरा हुआ है। क्योंकि हम अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, हमारा काम ही हमारी आदतें बनता जाता है, और हमारी आदतें हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं, और हमारा कैरेक्टर हमारे लाइफ और डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अपनी लाइफ और डेस्टिनी को चेंज करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग पर सबसे पहले काम करना होगा। अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स लाने होंगे, और अच्छे काम के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा। क्योंकि अच्छे काम अच्छी आदतें बनते हैं, और इस तरह से आपका कैरेक्टर भी अच्छा होता जाता है। क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, हर कोई आप पर विश्वास करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, रिस्पेक्ट देगा। इसीलिए अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि एक अच्छा कैरेक्टर ही आपकी लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा पॉइंट है कि अपनी आदतें कैसे बदलें। सो अब बात आती है कि अपनी आदतों को हम आखिर बदलें कैसे। तो किसी भी बैड हैबिट को चेंज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। और विल पावर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे कभी भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप पहले से ही अपनी थिंकिंग को चेंज करने की प्रोसेस में हैं, इसीलिए आपकी आदतों को भी आसानी से बदला जा सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि आपकी सिचुएशन, आपकी आज की लाइफ आपकी पिछली हैबिट्स का रिजल्ट है। तो अगर आप अपनी अब तक की अचीवमेंट से, अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, चाहे वो पर्सनल, इकोनॉमिकल या फिर सोशल सिचुएशन ही क्यों ना हो, तो आपको अपनी आदतों को पूरी तरह से चेंज करना होगा। क्योंकि पास्ट में आपकी हैबिट्स और काम करने का तरीका, चाहे जो भी रहा हो, वही आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होता है। जिसे आप सच में पसंद नहीं करते, इसीलिए आप इससे बेहतर होना चाहते हैं। सो आज से ही जो भी काम आपको पसंद नहीं है, उसे करना बंद कर दीजिए। आपको अपनी प्रोग्रेस से दूर ले जाने वाली हर वजह को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना है। और ऐसी कुछ आदतों में से एक है सुबह जल्दी उठना। ये अच्छी आदतों में से एक है जिसे हर पर्सन को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। अपने रेगुलर उठने के टाइम से 2 घंटे पहले जागना, इसके बड़े फायदे होते हैं, जिसका यूज़ आप किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। दूसरी हैबिट है मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। मॉर्निंग में किए गए ये सारे काम आपके माइंड को शांत रखते हैं, आपको पेशेंस रखना सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। गाइज, एक फ्रेश और प्रोडक्टिव डे की शुरुआत आप इसी तरह से कर सकते हैं। और एक अच्छी हैबिट, अपनी गोल्स को लिखिए। अब आप एक नोटबुक ले लीजिए, अपने गोल्स को लिखते जाइए। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आपके माइंड में कुछ मैजिकल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तब आप कुछ ऐसे स्पेशल लोगों के लिस्ट में आ जाते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं। क्योंकि 97% लोगों ने कभी भी अपने गोल्स को नहीं लिखा है। सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी हैबिट आपकी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव बना देती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल गोल्स।
अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करें 2 या 5 साल बाद, जहां आप पहुंचना चाहते हैं और आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करने वाले हैं, उन्हें पाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स है, इसे प्रॉपरली लिखिए। दूसरा है पर्सनल गोल्स। अपनी फैमिली मेम्बर्स को पूरा टाइम दें, उनकी ज़रूरतों को, उनके सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने में उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि एक पीसफुल और काइंड फैमिली आपकी सबसे ज़रूरी पावर होती है। और तीसरा है फिटनेस गोल। हर किसी के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ओवरवेट से परेशान हैं तो ख़राब खाना या ख़राब लाइफस्टाइल को आपको चेंज कर देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने हेल्थ के गोल्स को पाने के लिए लगे रहिए और जब आप अपने विल के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी पा लेंगे तो आप बहुत खुश और सेटिस्फाई फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए। गाइस, इस यूनिवर्स में वो सब कुछ अवेलेबल है जो आप पाना चाहते हैं। आप अपनी पावर के अकॉर्डिंग उसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने माइंड को फिर से प्रोग्राम करना होगा और अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए कि जहाँ भी आप जाएं लोग आपकी इज्जत करें। और ऐसा करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पहला रूल, पूछना। लोग एक दूसरे से पूछने में बहुत हेजिटेट होते हैं, लेकिन अगर हम वाकई पूछते हैं तो सिर्फ 2 ही आंसर मिल सकते हैं, हाँ या ना। अगर वो ना कहते हैं तो आपके पास इसके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं उन्हें कन्विंस करने के लिए, और अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर हमारा काम बन जाता है। और दूसरा रूल है दूसरों को अप्रिशिएट करना। आजकल हर जगह सब एक दूसरे में कमियाँ ही देखते हैं और दोष देते रहते हैं। सो ये मत सोचिए कि सिर्फ आप अच्छे और सही हैं और दूसरे गलत और ख़राब हैं, बल्कि सब में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। दूसरों की स्पेशलिटी को ढूंढिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए। लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट भी कीजिए और दूसरों को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाइए। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और उनके किए गए कामों की इज्जत कीजिए। और तीसरा रूल है सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहिए। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने आसपास के लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो सेम थिंकिंग वाले लोगों के साथ नेटवर्क और अपनी अच्छी चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए, इससे वो लोग आपके साथ अपनी चीज़ों को भी शेयर करेंगे। एंड फोर्थ रूल है कभी हार मत मानिए। पहली बार में कोई भी सक्सेस नहीं होता और फेल होना लर्निंग का ही एक साइन होता है, क्योंकि फेल होने के बाद हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हर फेलियर में सक्सेस छुपी होती है। हार्डवर्क करते रहें, अपनी गलतियों को सही करते रहें, आप जीतेंगे और आप वो सब कुछ पाएंगे जो आप अब तक पाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सही डायरेक्शंस को ही चूज करें। हमारे पास प्रेजेंट में वही सब होता है जिसे हमने अपने पास्ट में चूज किया था, अब वो चाहे अच्छा था या बुरा था। इसीलिए सही ऑप्शंस चूज करना हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। यूजुअली जाने अनजाने हम कई गलत चीज़ें चूज कर लेते हैं और बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। सो ऐसे डायरेक्शंस को चूज़ कीजिए जो अच्छे हों, क्योंकि आपका राइट डायरेक्शन ही आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है और ये आपकी उसमें बहुत हेल्प भी करता है। लेकिन एक अच्छा और बेटर ऑप्शन चूज़ करना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एट द टाइम उनके पास कोई अच्छा एडवाइज़र या गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन तब हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो इससे गुजर चुके हैं, इससे फेस कर चुके हैं। इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, क्योंकि नॉलेज लेना ज़रूरी है, चाहे वो कहीं से भी और किसी भी तरह से आए, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट, अपना ब्लूप्रिंट बदलें। हम सब एक मेंटली ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि हम कौन हैं, हमारी रियलिटी क्या है, और ये थिंकिंग हमारी खुद की नहीं होती। ये ब्लूप्रिंट वो है जो हमारे आसपास के लोगों की वजह से बनी होती है और हमने उसे मेंटली एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। अगर हमारे आसपास के लोगों ने हमसे कहा कि हम बहुत मोटे हो गए हैं तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। वहीं अगर लोग हमसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पतले दिखते हैं और अच्छे नहीं दिखते तो हम उसके बारे में भी सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि हम बचपन से ही अपनी रियलिटी को समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, हमारी थॉट्स, हमारी वैल्यूज़, लाइफ प्रिंसिपल्स हमारे आसपास के लोगों, फैमिली और फ्रेंड, रिलेटिव्स और सोसाइटीज़ की वजह से बनी होती हैं। और ये एक्सेप्टेंस हमारी रियलिटी से हमें कोसों दूर रखता है, तभी तो लाइफ में इतने सारे फेलियर्स का हमें सामना करना पड़ता है। सो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस एक्सेप्टेंस की हैबिट को अपनी लाइफ से जल्द निकाल दीजिए।
लास्ट पॉइंट, कोई भी आपके सेल्फ डेवलपमेंट और सक्सेस को नहीं रोक सकता। गाइस, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को सीरियसली मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो कोई भी आपकी प्रोग्रेस को, आपकी डेवलपमेंट को नहीं रोक पाएगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उसे ज़रूर कर पाएंगे। कोई भी आपको हेल्दी होने से नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको अमीर सक्सेसफुल पर्सन बनने से नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको फेमस होने से नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको पावरफुल और एक बेटर पोजीशन पर पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक हेल्दी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। सो गाइज, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आप अपने विल पावर को स्ट्रांग बना सकें, अपनी कमियों पर काम कर सकें और आगे की प्लानिंग के बारे में सोच सकें। और वो कौन सी हैबिट्स हैं जो इसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं, इसलिए भी इस वीडियो को बार बार देखना आपके लिए बिल्कुल वर्दी होगा। और अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।